कराची में फिल्म्स वगैरह बनती हैं, ड्रामास बनते हैं, तो हम लोग चाहते थे कि एक प्लेटफॉर्म इस तरह का यहाँ पे बनाया जाए। फैमिलीज इस तरह की होती थी कि ये क्या चीज़ है, वो फैमिली से बाउंड होते थे लेकिन उनका इंटरेस्ट था। इस तरह के एक्टर्स भी होते हैं जो किसी को आगे नहीं जाने देते। ये ना सोचो कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे जाएँ, आप ये सोचो कि आपने एक अपनी इंडस्ट्री कैसे बनानी है। फादर का ये कहना था कि जो मैं नहीं ना कर सका वो मैं इसको करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जो इस मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हों और प्रैक्टिकली भी वो कुछ ऐसे काम कर रहे हों जिससे हमारी इंडस्ट्री, हमारा पाकिस्तान किसी भी अंदाज़ में प्रमोट हो रहा हो। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, मुनीब वहीद साहब, ये को फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं सिफ़र से के। सिफ़र से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को एक मौका दे रहा है जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, डायरेक्शन में आना चाहते हैं। उन लोगों को ना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है काम करने की बल्कि एक सीखने की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि वो इंटर्नशिप के ज़रिए, डिफरेंट कोर्सेज के ज़रिए सीख के इस फील्ड में आएँ और आके वो अपने टैलेंट को लोगों के सामने प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सर, मैं आगाज़ में सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ख़ुद भी, आपने जैसे बताया कि आप खुद एक्टिंग भी कर रहे थे, सिनेमेटोग्राफी में भी आपका जो है वो इंटरेस्ट था, तो सर फिर आप इस सिफर से इसका आगाज़ आपने कैसे किया और किस तरह आपने सोचा कि ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके जो कि एक वेब चैनल होगा उसको फिर आप आगे लेके जाएंगे और एक्सेलेंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं? जो सिफर से है ना, वो बेसिकली डिफरेंट आर्टिस्ट ने बनाया मिलकर। हम लोगों का एक ग्रुप था, हम लोग थिएटर वगैरह करते थे, तो हम लोगों का एक विजन था कि जितना भी यहाँ पे लाहौर में ना कुछ भी आर्ट के मुतालिक नहीं होता, सारा कुछ कराची में है। कराची में फिल्म्स वगैरह बनती हैं, ड्रामास बनते हैं, तो हम लोग चाहते थे कि एक प्लेटफॉर्म इस तरह का यहाँ पे बनाया जाए जिससे हम ना यूथ को हेल्प कर सकें, जिससे यूथ को एक प्लेटफॉर्म दे सकें एक्टिंग के लिए, शॉर्ट फिल्म्स के लिए, शॉर्ट फिल्म्स बनाकर और उसके अलावा थिएटर करके। ये हमारी जो डिफरेंट डोमेन्स हैं ना, वो सिर्फ हम लोगों ने यूथ के लिए बनाई हुई हैं और ताकि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उनको हेल्प कर सकें। और सही, अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि सिफर से इसकी जो पूरी टीम है, जैसे आपने बताया माशाल्लाह हम सबको इस एक प्रोग्राम में नहीं बुला सकते थे लेकिन हम कोशिश करेंगे कमिंग डेज़ में उनको भी रिकॉर्ड करें, मुझे उनके बारे में बताएँ कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और उनका क्या क्या रोल है? सिफर से की जो उनसे टीम है ना, वो 8 लोगों से मिलकर बनी हुई है। उसमें डिफरेंट फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, राइटर्स, ये लोग शामिल हैं। अब जो एक CEO मैं हूँ और एक और CEO है जो फाउंडर है सिफर से की, वो है राइटर, स्क्रिप्ट राइटर। उन्होंने 15-16 शॉर्ट फिल्म्स लिखी हुई हैं और नावल भी वो अभी एक अपना रिसेंट लिख रही हैं, वो मिनाहिल फयाज़ उनका नाम है। और उसके अलावा अब्दुल बासित एक्टर हैं, मुस्तफ़ा एज एन एक्टर हैं, साद एज एन एक्टर हैं, शुमाइल रफ़ीक एज ए डायरेक्टर, एक्टर और सिनेमाटोग्राफर हैं, मोहम्मद मूसा एज ए डायरेक्टर और एक्टर हैं, और मोहम्मद दानियाल एज ए सिनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं, और उस्मान आसिफ एज ए साउंड डिज़ाइनर, VFX आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर और एज एन एक्टर और राइटर हैं। सही, अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आजकल के दौर में, टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो ये एक थोड़ा डिफरेंट आइडिया है, आपने सोचा है कि आप इस डोमेन में काम करें, तो इस आइडिया पे जब आपने सोचा होगा तब आपको थोड़ी रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ी होगी कि ये आप किस तरफ जा रहे हैं या इसका कोई स्कोप नहीं है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इस तरह से लाइक चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए क्योंकि ये जो विजन था ना, ये हम लोग 4-5 महीने पहले हम लोग सोच रहे थे, तो बीच में ना कुछ इस तरह की चीज़ें आती थी जो रोकती थी कि नहीं करना। लाइक कुछ लोगों की फैमिलीज इस तरह की होती थी कि ये क्या चीज़ है, वो फैमिली से बाउंड होते थे लेकिन उनका इंटरेस्ट था कि उन्होंने करना है, एक्टिंग करनी है, आर्ट को उन्होंने एक तरजीह देनी है। तो उस हिसाब से ना फिर एक थोड़ा सा वक्त इसको लगा, तो फैमिलीज़, उसके अलावा कुछ और भी लोग इस तरह के थे जो अलग से प्रोडक्शन हाउस रन कर रहे थे, तो उनसे हम लोगों ने एज अ सीनियर्स हम लोगों ने डिस्कशन करने की कोशिश की लेकिन उनका ऑब्वियसली उस तरह का माइंड नहीं था। लेकिन जब हम अपने ओन पे आए तो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है 2 इवेंट्स अभी तक करवा लिए, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में होकर आ चुके हैं और हम लोगों ने 3 शॉर्ट फिल्म्स बना ली हैं, तो
इस तरह के तो आते हैं चैलेंजेस, ऊपर से प्रोडक्शन में भी हम लोगों को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अब सारा से। सर बीइंग एन एक्टर, आप अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं? बीइंग एन एक्टर मैंने 6 to 7 शॉर्ट फिल्म्स की हैं जो अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं भी, और उसके अलावा मैंने PTV का एक ड्रामा किया था, असलम का गांव, उस्मान पीरजादा साहब का था, तो वो ड्रामा किया था, उसमें अब्दुल बारी का कैरेक्टर था, 6 एपिसोड्स थे, और एक A+ का ड्रामा जो अभी ऑन एयर नहीं हुआ, तो उसका पायलट अभी हुआ है शूट। अच्छा, ये जो शॉर्ट फिल्म्स हैं ये फिलहाल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं? ये यूट्यूब के लिए भी हैं, फिल्म फेस्टिवल्स के लिए भी हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कोई भी अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, ये भी एक किस्म की आप कह लें कि फ़िल्म इंडस्ट्री को आप दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो क्या चैलेंजेस इस वक्त आपको जो है इन फील्ड चैलेंजेस वो क्या फेस करने पड़े? इन फील्ड चैलेंजेस ना बहुत से होते हैं, लाइक कुछ इस तरह के एक्टर्स भी होते हैं जो किसी को आगे नहीं जाने देते, तो ये वाली चीज़ें होती हैं, ये इस फील्ड में है। मेरे एक टीचर थे सर्वकाश, उन्होंने एक ना बात की थी, जब उनसे पूछा था ना कि हम इंडस्ट्री में कैसे जा सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्होंने कहा था कि यार ये ना सोचो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे जाएं, आप ये सोचो कि आपने एक अपनी इंडस्ट्री कैसे बनानी है। सही। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आप इस फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, आपको विजन चेंज करना पड़ेगा, तो आप लोग इसी तरह चैलेंजेस से बच सकते हैं। अब कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो लाइक यूथ है, अब वो उनका कहना है कि हम पाकिस्तान में रहकर फिल्म मेकिंग नहीं कर सकते इन चैलेंजेस की वजह से हम लोग, क्योंकि वो फिर इस वजह से कनाडा जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ जाके स्टडीज़ करते हैं, और बहुत से लोग गए हुए भी हैं, तो हम बेसिकली पाकिस्तान में रहकर एक इस तरह से करना चाहते हैं कि हम इधर का विज़न ज़रा चेंज करें फिल्म्स के हवाले से, हम लोगों की राय चेंज करें। सर यूथ के लिए आपने जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम्स प्लस कोर्सेस वो डिफरेंट जो है आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड जो है फिल्म मेकिंग से डायरेक्शन से आप वो लॉन्च करने का एक प्लान है आपका, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं वो क्या प्लान है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, और स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जिनका इंटरेस्ट भी है उनको क्या मैसेज है, वो किस तरह अपने आप को एनरोल करें और इन कोर्सेज में आएँ? सिफर से का जो उनका ये प्लान है ना वो ओपन है अभी से, लेकिन जो कोर्सेज हैं जो एक प्रॉपर कोर्सेज होंगे वो हम कोई 1 या 2 महीने में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन अभी वो इंटर्नशिप्स के लिए हमारे साथ काम करने के लिए वो अभी भी आ सकते हैं और हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sifar.se पे इंस्टाग्राम और contact.sifar@gmail.com पे वो हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यूथ के लिए जौन सी ये चीज़ें हैं ना, अब वो सिनेमाटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर वो एक्टिंग जानते हैं या फिर डायरेक्शन जानते हैं, फिल्म्स बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ा वो राइटर्स हैं, कुछ राइटर्स इस तरह के भी होते हैं जिनके स्क्रिप्ट इसी तरह पड़ी रहती हैं, वो बनाते नहीं हैं, उनको या तो प्रोडक्शन नहीं मिलती या कुछ नहीं होता, वो आकर हमारे साथ बना सकते हैं। और कुछ यूथ की जो हिडन फिल्म मेकर्स होते हैं अब उनकी फिल्म्स इसी तरह से पड़ी होती हैं, तो वो हमारे पास आके आ सकते हैं, हम उनके लिए एक स्क्रीनिंग का इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी 2 किए हैं क्रिएट, वो हमारी अपनी थी, और उसके अलावा हमारे पास एक फिल्म मेकर हैं जिनके हम अगले हफ्ते में रमज़ान से पहले वो करने जा रहे हैं। यानी अगर किसी के पास भी कंटेंट है, कोई स्क्रिप्ट है, तो वो आपके पास आ सकता है और अपने आइडिया को शेयर कर सकता है? बिल्कुल। और इसके अलावा कोर्सेज़ की जितनी बात है, कोर्सेज़ में हम लोग फिल्म से हम डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, सिनेमाटोग्राफी, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, उसके अलावा आर्ट डायरेक्शन, इस तरह की डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, तो हर डोमेन का अलग अलग हम कोर्स करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में इन कोर्सेज़ के अलावा प्रोजेक्ट्स के वाले से अगर हम बात करें, जैसे आपने 3 ड्रामास बताए, शॉर्ट फिल्म्स बताई, उसके अलावा फ्यूचर में अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पे हैं, कौन कौन से आने वाले हैं, मैं चाहूँगा उनका नाम और उनकी डिटेल्स थोड़ी बताएं आप। अभी फ्यूचर में हमारे पास 4 जो फिल्म्स हैं ना वो पेंडिंग पे हैं, अभी 4 पे वर्किंग चल रही है। एक शॉर्ट फिल्म है चूड़ियाँ, एक शॉर्ट फिल्म है जो कि कॉमेडी है, जो कि काफ़ी रिलेटेबल भी होगी हर रोज़ की ज़िंदगी से उठाया हुआ है, वो है प्रेशर कुकर। उसके अलावा आखिरी लड्डू, जो कि एक असल वाक्य से भी इंस्पायर्ड है, प्रेशर कुकर है, और उसके अलावा एक थ्रिलर है मंसूर। सही सही। अच्छा ये प्रेशर कुकर की वैसे क्या थोड़ी सी स्टोरी बता दें, पूरी तो नहीं बताएंगे आप, लेकिन प्रेशर कुकर का जो बेसिकली प्लॉट है ना वो थोड़ा सा इस तरह से है कि पाकिस्तानी आवाम को तो नहीं आपने? नहीं, पाकिस्तानी आवाम नहीं, वो उन लोगों को टारगेट किया गया जो ऑफिस बेस्ड जॉब करते हैं और उनका घर
जोहर टाउन में, और उनका ऑफिस DHA फेज 5 है। अच्छा, तो इतना जो रास्ता है वो घंटे का, पौने घंटे का जो वो रास्ता है ना, वो तय करते करते अब प्रेशर कुकर इस फिल्म का इसलिए नाम है क्योंकि जब वो ऑफिस से निकलता है ना तो लाइक उसको एक प्रेशर उसको आता है लाइक वॉशरूम का। अच्छा, तो अच्छा, वो घंटे अच्छा, में अच्छा, जो सा होता है उसको ना वॉशरूम मिलता ना उसको कहीं पे कुछ होता, तो सारा उसका सफ़र है यहाँ का। सही सही। अच्छा सर, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, जिनसे इंस्पायर होकर आपने ये सारा कुछ सीखा और आपने सोचा कि आपने इस इंडस्ट्री में आना है? मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है ना वो मेरे फादर है। मेरे फादर जो उनसे है ना, जब वो मेरे जितने थे ना कॉलेज लाइफ में, तो उनको एक्टिंग का शौक था और वो अपनी कॉलेज में ड्रामास वगैरह थिएटर वगैरह करते भी थे कॉलेज में। लाइक तब सोसाइटीज़ का इतना रिवाज नहीं था, तो मेरे फादर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई ये सोसाइटी अपने कॉलेज में, और उनके प्रेसिडेंट रहे। सही। मेरे फादर जो उनसे थे ना, उनको एक्टिंग का लाइक मेरे से ज़्यादा शौक था, लेकिन अब मेरे जो दादा अबू थे वो इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते थे, तो वो कहते थे कि ये कौन से काम कर रहे हो, ये हमारे काम नहीं है, ये शरीफों के काम नहीं है। तो उसके बाद फिर जब अब मेरी बारी आई है तो मेरे फादर मुझे कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं। मेरे फादर ने मेरे साथ स्क्रीन भी शेयर की हुई है, मेरे कहने पर मेरा थीसिस था तो उसमें मेरे फादर का ही कैरेक्टर उन्होंने किया था, तो मैं वो भी एक मुझे खुशी हुई थी। तो मेरे फादर का ये कहना था कि जो मैं नहीं ना कर सका वो मैं इसको करवाऊंगा। तो एक बेसिकली ये मेरी वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? सर, कासिम अली शाह साहब एक लाइक मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ के लिए, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं ना वो और कोई नहीं कर सकता। लाइक किसी की इस तरह से हेल्प करना और एक नॉलेज को फैलाना और ये सारा कुछ, एक वो उनका विजन लाइक अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है कि वो एक चेंज ला सकते हैं। वो लाइक अगर वो किसी छोटी सी जगह पे भी चेंज लाएंगे ना तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कभी भी कोई भी चैलेंज आए ना उनके लिए तो वो कभी ना रुकें। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब भाई साहब, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे जो इनका एक प्रोजेक्ट है सिफ़र से, जिसका ये आगाज़ कर चुके हैं। हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अपने मकसद में कामयाबी अता करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।